ओके फाइन, चलो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर। मीटिंग ज्वाइन कर लेता हूं मैं। तक्स बताओ पहला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें। नीचे इनटू टू से मल्टीप्लाई करें। इक्वेशन वन और इक्वेशन टू नाम देते हैं पहले। मल्टीप्लाई, कौन सी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कराना है? सेकंड। सेकंड ऑलरेडी मल्टीप्लाईड ही है। फर्स्ट को मल्टीप्लाई वन विथ टू। ये कौन सी मेथड कर रहा है तक्स? ये कौन सी मेथड कर रहे हैं? एलिमिनेट। ओके क्या बन जाएगा अभी? 2s माइनस 2t इज इक्वल टू 6 और यहाँ पे हो जाएगा 2s माइनस t सॉरी प्लस t इज इक्वल टू 5। यहाँ पे प्लस प्लस कुछ नहीं है तो माइनस कराएंगे बाहर से, तो ये माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, ये भी माइनस में हो जाएगा, ये कट हो गया। यहाँ पे माइनस टी इज इक्वल टू 1। टी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? यहाँ पे कितना आएगा तब? माइनस टी या टी? सुन पा रहे हो? हाँ। यहाँ पे क्या लिखूं मैं? माइनस टी। देखो यहाँ पे भी माइनस है, इधर भी माइनस है। सर वो ऊपर बड़ा है ना? हाँ। इसलिए माइनस माइनस प्लस हो गया। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ओके इक्वेशन नंबर 3 आ गई हमारे पास। जेनब, जेनब आगे बताओ। थ्री को वन में रखें। S माइनस t इज इक्वल टू 3। S माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1 बाय 3 इज इक्वल टू 3। ओके अब हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये यहाँ पे जाएगा और यहाँ पे जाएगा। देखो यहाँ माइनस है और माइनस है 3, यहाँ पे शिफ्ट हो गया। टू एस इज इक्वल टू 2/3। फाइन श्रद्धा। यस सर। सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कराओ। किसी का माइक शायद ऑन है, ऑफ कर दो। सद्दा टू को शिफ्ट करेंगे, टू को शिफ्ट करेंगे यहाँ पे और यहाँ पे राइट।
शिवांग यस सर सॉल्व कराओ सर नीचे वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो नेक्स्ट अयान बोलो सर क्या करें अब मल्टीप्लाई करें टू से किसको सेकंड वाली मेथड सेकंड को मल्टीप्लाई कर दिया आंसर भी आ गया क्या सर अब क्या करना है मल्टीप्लाई करें सेकंड नंबर से जेवा प्लस कराएं माइनस कराएं जेवा यहाँ पे हम प्लस करेंगे या माइनस करेंगे यहाँ पे हम प्लस करें या माइनस करें ध्वनि कुछ भी नहीं सर क्योंकि दोनों वैसे ही कट हो रहा है दोनों वैसे ही कट हो रहे हैं गुड यहाँ पे देखो ये दो ये ऐसे ही कट हो रहे हैं देखो एक प्लस में है और एक माइनस में है तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है ये ऑटोमेटिक ही कट हो जाएंगे और ये हो गया 14 अब 5m इज इक्वल टू कितना हो गया m इज इक्वल टू 14/5 राधिका यस सर हाँ आगे बताओ ये हम थर्ड इक्वेशन को थ्री को किसमें रख दें हम प्रियांशी हाँ सर सॉल्यूशन कराओ एम की वैल्यू हमारे पास आ गई है एम की वैल्यू रखनी है यहाँ पे तो 14 डिवाइड बाय 5 माइनस माइनस 5n इज इक्वल टू 10 माइनस 14 माइनस 5n इज इक्वल टू प्रियांशी बताओ माइनस 4 माइनस 4 माइनस माइनस कट 4/5 गुड चलो प्रिंस बताएगा और इसमें मुझे है ना सब्स्टिट्यूशन मेथड करनी है प्रिंस सब्स्टिट्यूशन मेथड प्रिंस प्रिंस अग्रवाल प्रिंस जेनी यस सर हाँ बताओ कैसे करें
क्या क्वेश्चन बराबर है या हमें थोड़ा कुछ क्वेश्चन सुधारना पड़ेगा? क्वेश्चन में कुछ मॉडिफिकेशन चाहिए? यस देखो ये तो बराबर है, जो इक्वेशन नंबर टू है वो तो बराबर है। वन में आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये हमारे फॉर्मेट के हिसाब से नहीं है। तो हम क्या करें पहले इसको बताओ। क्या कर सकते हैं? कौन बताएगा? क्रॉस, हाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये एक फॉर्मेट में आ जाएगा। ये फोर गया टू के पास, एट एक्स हो गया। थ्री गया थ्री के पास, नाइन वाई हो गया। और नीचे का मल्टीप्लाई करेंगे तो ट्वेल्व इज इक्वल टू टू। इस ट्वेल्व को यहाँ शिफ्ट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा एट एक्स प्लस नाइन वाई इज इक्वल टू ट्वेंटी फोर। ठीक है, ये इक्वेशन टू हो गई। सॉरी इक्वेशन वन हो गई। चलो जैनी का टर्म खत्म हुआ, दिख भी जाए। मुझे यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करनी है। इस क्वेश्चन को आराम से करेंगे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड। खुशी यस सर, सब्स्टिट्यूशन मेथड करनी है, बताओ कैसे करें? ये एक बार फिर से रिवीजन करा दो सर, रिवाइज करा दो एक बार। ओके चलो, दोनों में से कौन सी इक्वेशन इजी लग रही है? सेकंड वाली। सेकंड इक्वेशन इजी लग रही है तो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, इस एक्स की वैल्यू बना रहा हूँ। और ये टू गया नीचे, फाइव प्लस थ्री वाई बाय टू। इक्वेशन थ्री आ गई। अब ये थ्री हम कहाँ पे रख दें सर? हाँ इसमें थ्री वाई इज इक्वल टू फाइव प्लस टू फाइव माइनस टू एक्स नहीं आ सकता? हाँ कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो, कोई बात नहीं, आपको वाई की वैल्यू मिलेगी, कर सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। खुशी आगे का सॉल्यूशन खुशी सर नहीं समझ में आ रहा। अब ये थ्री को कहाँ रखना पड़ेगा? हमने इक्वेशन नंबर थ्री किस में से बनाई है? सेकंड में। तो हम थ्री को कहाँ रखेंगे? फर्स्ट में रखेंगे। फर्स्ट में रखेंगे, ओके। जहाँ पे एक्स की वैल्यू आएगी वहाँ पे हम ये पूरी वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, फाइव प्लस थ्री वाई बाय टू प्लस नाइन वाई इज इक्वल टू ट्वेंटी फोर। ये टू फोर जा कट हो सकता है, तब क्या हो गया फोर फाइव प्लस थ्री वाई प्लस नाइन वाई इज इक्वल टू ट्वेंटी फोर। ये फोर फोर को आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे ब्रैकेट में, फोर फाइव ज़ार ट्वेंटी प्लस फोर थ्री ज़ार ट्वेल्व, ट्वेल्व वाई प्लस नाइन वाई इज इक्वल टू ट्वेंटी फोर। आगे का सॉल्यूशन ध्वनि बताएगी। ट्वेंटी प्लस ट्वेंटी वन वाई इज इक्वल टू ट्वेंटी फोर। ट्वेंटी प्लस
कौन सी इक्वेशन आ गई? फोर। जेबा बताएगी, जेबा फोर को किस में रखें, जेबा या जेनम, दोनों में से कोई एक बताओ, इस फोर्थ इक्वेशन को किस में रखा जाए? थर्ड में। थर्ड में। पुट फोर इन थ्री, एक्स इज इक्वल टू फाइव प्लस थ्री वाई बाई टू, एक्स इज इक्वल टू, वाई की वैल्यू कितनी है हमारे पास, फाइव प्लस थ्री बाय टू, वाई की वैल्यू कितनी आई है यहाँ पे, वाई की वैल्यू हमारे पास है फोर बाई ट्वेंटी वन, फोर बाई ट्वेंटी वन, तो आप इसको कट करा दो, एक्स इज इक्वल टू फाइव प्लस फोर बाय सेवन डिवाइड बाय टू। अब भाई इसको कैसे सॉल्व करें, इसको कैसे सॉल्व करें, टू को एक्स के पास दो, टू को सेवन, पहले आप इसको सॉल्व कर दो, इसको कैसे करते हैं सॉल्व, फाइव को सेवन से मल्टीप्लाई और फोर प्लस सेवन थर्टी फाइव प्लस सेवन डिवाइड बाय सेवन, सेवन फाइव या थर्टी फाइव, थर्टी फाइव प्लस फोर थर्टी नाइन, थर्टी नाइन, और ये नीचे नंबर रहेगा वो तो आएगा डिवीज़न में, डिवाइड बाय नीचे टू था, अब ये सेवन कहाँ चला जाएगा, नीचे, एक्स इज इक्वल टू हो गया थर्टी नाइन बाय फोर्टीन, आया समझ में भाई, समझ में आ रहा है, ये ऐसा ना हो मैं लिखते चला जाऊं बस, यस सर आ रहा है, चलो भाई हैवी वाला क्वेश्चन आ रहा है थोड़ा सा, चलो किसकी बारी आई, टक्स, ये ऐसा क्वेश्चन देखने के बाद तुम्हें कौन सी मेथड समझ में आ रही दिमाग में, ये वाली, हाँ ये टक्स, देखो इसमें एक्स और वाई नीचे की ओर लगे हुए फ्रैक्शन में आ रहे हैं और डिनोमिनेटर में, वो क्रॉस मल्टीप्लाई करा, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है भाई, गलती से मत करना ऐसा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बताया था दिग्विजय बता रहा है रिडक्शन करना है, सही है, कल आपको मैंने बताया था, देखो मैं फिर से एक बार बता दूं कि ये मेथड कब लगानी है, जब सिर्फ आपके एक्स और वाई आपको नीचे दिख जाए, देखो ये रहा, दिख रहा है सबको स्क्रीन दिख रही है, देखो इसमें एक्स और वाई नीचे लग रहे हैं, देखो तो हमने क्या किया था, वन बाय एक्स को और वन बाय वाई को थोड़ा अलग से लिख दिया था, और फिर हमने उसको m और n कुछ एज्यूम कर लिया था, फिर सॉल्व करके m और n की वैल्यू लाने के बाद हमने x और y की वैल्यू लाई थी, तो इस मेथड को हम बोलते हैं रिडक्शन मेथड, और ये मेथड कब करनी है, जब आपके x और y नीचे आपको दिख रहे हो, ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं, अब तक्सी बताएगा, शुरुआत तक्सी करवाएगा, चलो तक्सी, एक्स और वाई को अज्यूम करने का एम और एन, ओके पहले कैसे लिखें इसको, टू एम प्लस थ्री एम इक्वल टू थर्टी,
टू बाई एक्स प्लस थ्री बाई वाई इज इक्वल टू 13 है, और यहाँ पे 5 बाई एक्स प्लस 4 बाई वाई इज इक्वल टू माइनस 2 है। मैं थोड़ा अलग से लिख रहा हूँ इसको, 2 इंटू 1 बाई एक्स प्लस 3 इंटू 1 बाई वाई इज इक्वल टू 13, और यहाँ पे 5 इंटू 1 बाई एक्स प्लस 4 इंटू 1 बाई वाई इज इक्वल टू माइनस 2। देखो ग्रुपिंग कर लो आप इनको, ओके okay, अब कुछ एज्यूम कर लेते हैं हम। चलो मान लिया कि ये है हमारा ए और ये है बी, जैसे कल मैंने एक्स और वाई एम और एन लिया था, आप अपने हिसाब से ले सकते हो। मैंने इसको ले लिया ए और इसको ले लिया बी, तो अब क्वेश्चन क्या बनेगा तक्स? 2a plus 3b equal to 13, 5a plus 4b equal to 13. plus 3b is equal to 13 और 5a plus 4b is equal to minus is equal to minus 2, equation 1 और इक्वेशन 2। हमने यहाँ पे क्या एज्यूम किया है कि 1 बाय एक्स है वो ए के बराबर है और 1 बाय वाई है वो बी के बराबर है, ऐसा हमने माना है। ठीक है, चलो ज़ेनम सर ये वाला है ना 1 by x को मुझे समझ में नहीं आ रहा। कहाँ पे? थर्ड स्टेप, सेकंड स्टेप। ओके एक मिनट, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है 2 by x प्लस 3 by y इज इक्वल टू 10 है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? चलेगा? ओके okay. अब देखो इसको हम क्या करेंगे, पूरे को हम क्या मान रहे हैं? ए मान रहे हैं, और इस पूरे को क्या मान रहे हैं हम? बी मान रहे हैं। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 10। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे जब नीचे x और y आएंगे ना तो हम उसको सॉल्व नहीं करवाएंगे। देखो अभी तक्स ने बताया था, या मतलब किसी और बच्चे ने बताया था कि आप क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। देखो चलो मान लिया कि अगर ऐसा क्वेश्चन आया और आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो आप कैसे फंस जाओगे? आपके पास ऐसा करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। चलो मान लिया कि आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये गया इसके पास, तो ये हो गया 2y, ये गया इसके पास, तो ये गया, ये हो गया 3x, और आप इन दोनों का मल्टीप्लाई कराओगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स वाई इज इक्वल टू 10। अब आप इसको यहाँ पे शिफ्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, 2y प्लस 3x इज इक्वल टू 10xy। अब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, ये एक्स वाई को? हमारे पास ऐसी कोई मेथड नहीं है कि राइट हैंड साइड में एक्स वाई आ जाए तो हम कैसे सॉल्व करें। तो हम क्वेश्चन को मॉडिफाई करने के चक्कर में और भी ज़्यादा फंस जाएंगे हम, तो हमें कुछ सॉल्यूशन मिल नहीं पाएगा और हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसलिए आपको यही टेक्निक लगानी पड़ेगी कि जब नीचे एक्स और वाई आए तो आप उनको थोड़ा अलग से लिख कर उनको ए या बी या कुछ अपने हिसाब से एजम्पशन कर लो। आई बात समझ में जिनम? यस। ओके, तो ये मेथड कब लगानी है, जब आपको किसी नंबर के नीचे एक्स और वाई दिखे, इसको हम बोलते हैं रिडक्शन मेथड। ये तभी आपको करना है। ओके, जिनब की बारी थी, जिनब
अब ये इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए तुम कोई सी मेथड लगा सकते हो, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, कोई सी मेथड लगा सकते हो। सब्स्टिट्यूशन सब्स्टिट्यूशन देखो इसमें लगाओगे थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि देखो कोई भी सारे नंबर्स बड़े बड़े आ रहे हैं, 2, 3, 13, 5, 4, 2, तो इससे अच्छा है एलिमिनेशन लगा लो। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन 5 से मल्टीप्लाई और सेकंड 2 से, और सेकंड 2 से, गुड। दस मिनट बाकी है, जल्दी से युक्ति फटाफट, फर्स्ट वाली को 5 से मल्टीप्लाई कराओ। 10a + 15b = 35 = 65 और नीचे 10a + 12b = -4 बाहर से माइनस कराएंगे हम तो ये प्लस में आ गया, और ये प्लस में था तो ये पूरा कट हो गया। यहाँ पे देखो ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस, 8 में से 15 में से 8 निकालो। युक्ति तुम्हारा टर्न है, जल्दी तुम्हें ही सॉल्व कराना है। टेन 50 में से 8 टेन बी 50 में से 8 सेवन बी प्लस में माइनस में प्लस में, ओके। और यहाँ पे ये प्लस में था प्लस 69 b is equal to क्या हो जाएगा 69/7, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3 आ गई। टक्स फर्स्ट में रख दो, पुट 3 इन 1, जल्दी से वैल्यू बताओ, वैल्यू बताओ। 2a + 3 69/7 = 9 9 9 सर, वो लास्ट में जो वैल्यू आई उसमें रखने का या फर्स्ट उस क्वेश्चन में से उसमें रखने का? ये वाली वैल्यू 69/7 = 30 वैल्यू बहुत बड़ी जा रही है, तो हम मतलब थोड़ा ही सॉल्व करेंगे इसको, पूरा सिंपलीफाई नहीं करेंगे। देखो 3 को 69 को 3 से मल्टीप्लाई करा दो, 21 सर। हाँ बोलो। मेरी मीटिंग कल भी ऐसा हुआ था, बार बार बंद हो जाती है, पता नहीं एकदम स्क्रीन बंद हो जाती है, बाद में फिर से लिंक पर टेस्ट करती हूँ, बाद में 2 मिनट बाद खोलती हूँ। काम करो, कहीं भी अच्छा नेटवर्क आ रहा है वहाँ पे बैठ जाओ, नेटवर्क स्टेबल नहीं होगा इसीलिए। घर से बाहर कहाँ जाओ, नेटवर्क स्टेबल नहीं होगा तब ऐसा होगा, कहीं नेटवर्क स्टेबल आ रहा है वैसा वहीं पे बैठ जाओ। ओके, वैल्यू बड़ी है तो इसको यहाँ पे, इसको यहीं पे रखेंगे। आपको ये क्या करना पड़ेगा, इस पूरे टर्म को यहाँ पे लेके जाना पड़ेगा। अभी इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, तो 2a = सर। हाँ यहाँ पे 37 का मल्टीप्लाई नहीं हो 69 से, कहाँ पे? यहाँ थर्ड स्टेप 207 किया तो 7 + 21 होगा ना, 7 × 3 = नहीं, देखो ये इस तरीके से होता है, अगर 3 × 21/7 है, अरे मान लिया 3 ×
21 बाई 4 दिया हुआ है, तो ये 3 है ना, इसके साथ मल्टीप्लाई में ही ज़्यादा है, इसको ऐसे भी ले सकते हो आप। इसका मतलब ये होता है, ये जो ऊपर ये जो नंबर होता है ना, इसके नीचे आप क्या लगा लो, 1 लगा लो, तो मतलब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे मैं बताऊँ 3 × 21/4, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 3/1 × 21/4, तो इनका इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा और इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जो नंबर बीच में रहता है वो उसका हमेशा मल्टीप्लाई ऊपर वाले नंबर के साथ ही होता है, इसलिए मैंने क्या किया 3 का मल्टीप्लाई इसके साथ करवाया, 3 × 7 = 21 हम नहीं कर सकते। क्लियर हुआ जनाब? ओके, वैल्यू बड़ी है तो हम इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं, पूरा इसको हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, आखिरी क्वेश्चन ले लेंगे। सिर्फ स्टेप रखेंगे, पूरा सॉल्व नहीं करेंगे हम, सिर्फ स्टेप रखेंगे। चलो आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, लास्ट एक्सरसाइज उसका क्वेश्चन है। श्रद्धा यस हाँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, कोशिश करो, अगर नहीं आ रहा है तो भी कोशिश करो। नीचे x और y आ रहे हैं, मतलब हम क्या लगा सकते हैं श्रद्धा? रिडक्शन करना पड़ेगा हमें, वो टेक्निक लगानी पड़ेगी, 1/x को आपको m लेना पड़ेगा, ऐसा कुछ करना पड़ेगा। पर देखो यहाँ तो नंबर नंबर भी साथ में आ रहे हैं, कोई बात नहीं, इसको ऐसे लिख लेते हैं हम 1/7 × 1/x, और इसको लिखेंगे हम 1/6 × 1/y = 3, लिख सकते हैं ऐसा हम, और इसको यहाँ पे लिख रहे हैं 1/2 × 1/x −1/3 × 1/y = 5। वापस हमने जो पहले सीखा था वही करेंगे हम, इस पूरे को हम x, पूरे को हम m मान लेंगे और इसको हम n मान लेंगे। इसको हमने m ले लिया और इसको n, इसको m और इसको n। चलो श्रद्धा, शिवांग अब क्या कर सकते हैं? यस सर, 1/m/7 हो गया प्लस n/6 n/6 हो गया = 3 = 3, और यहाँ पे m/2 − n/3 = 5। अच्छा एक मिनट, अभी राधिका बताएगी, राधिका अभी भी हमें जो हमें जिस तरीके से क्वेश्चन चाहिए चाहिए उस तरीके से क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है, अभी भी हमें जिस तरीके का क्वेश्चन चाहिए वैसा अभी भी क्वेश्चन नहीं बना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है सर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, गुड। ये गया 6m के पास और ये इसके पास, और दोनों का मल्टीप्लाई, ये हो गया 6m + 7n / 7 × 42 / 3। यहाँ पे प्रियांशी बताओ क्या करें, 42 × 3, गुड, 6m + 7n =
सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3m माइनस 2n